इंटेलिजेंट, समझदार, अच्छे बच्चे। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो ना? बॉस, अपनी तारीफ के लायक कोई काम किया आपने कभी? अगर आपको कुछ कहना ही होता ना तो हम आपको आलसी, कामचोर, बेवकूफ, हाथी, गेंडा कहते हैं। हाँ बॉस, हम ये तारीफ इंटेलिजेंट किड्स के बारे में कर रहे थे। इंटेलिजेंट किड्स? अरे बस एक काम तो ढंग से किया करो। किया ना? और हाँ, मैं क्या चीज हूँ ना मुझे पता है, बट तुम्हें क्या हो गया? बॉस, हमको कुछ नहीं हुआ है, हुआ तो आपको है। अपन इंटेलिजेंट किड्स की तारीफ कर रहे थे, इंटेलिजेंट किड्स की। हाँ बॉस, सोचो कितना दर्द हुआ होगा हमारे दिलों को। चुप करो वरना थप्पड़ दूंगा। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। मतलब? हाँ? इधर इधर। अरे बॉस, जब आप उन इंटेलिजेंट किड की तारीफ करते हो ना तब डर लगता है, उन्हें हमारे हिस्से का पिज्जा बर्गर दे देते हो ना तब डर लगता है बॉस। हाँ बॉस, पहले वो तो मानो मेरे कम थे क्या जो और दो आ गए, और बॉस आप उन्हें ठीक करने की जगह उनकी तारीफ करते हो। बॉस आपको समझ में नहीं आता है, आपकी टेंशन ना आपके पेट की तरह डबल हो गई है। हाँ। चुप करो, तुम्हें समझ में नहीं आता है। अरे तुम्हें समझ में आएगा भी कैसे, तुम्हारे पास मॉन्ट द ग्रेटेस्ट लखानी जितनी अकल का है। आप पे और अकल। रेगिस्तान में पानी मिल सकता है लेकिन आप में अकल का कोई चांस ही नहीं है। मेरा टेंशन डबल नहीं हुआ है, बल्कि मेरा टेंशन आधा हो गया है। हाँ, वो इंटेलिजेंट किड्स को मैं ठीक नहीं करूंगा, वो दोनों एक दूसरे को ठीक करेंगे। मतलब? मतलब डिवाइड एंड रूल। वो दोनों जाएंगे काम से और हम रहेंगे आराम से। कुछ समझा नहीं बस, थोड़ा डिटेल में बताओ ना। देखो, वो दोनों जब तक फ्रेंड्स है वो दोनों मेरे लिए टेंशन है, बट अगर मैं उन दोनों के बीच में लड़ाई लगा दूं तो वो दोनों मुझसे नहीं लड़ेंगे, वो दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। वाह बस, लेकिन आप ये करोगे कैसे? जानना है? हाँ। वाह बस, कैसा लगा? मस्त, सुपर। परियों, गज्जू का कुछ पता चला? नहीं रानी परी, हम सबने हर जगह ढूंढ लिया पर गज्जू का कोई पता नहीं चला। और आपने, क्या आपने सारे लोकों में देखा? हाँ रानी परी, हम मायावी लोग, सुनहरे लोग, हर लोक में ढूंढने गए थे लेकिन हमें कहीं नहीं पता चला। हाँ रानी परी, गज्जू को लेकर हम सबकी चिंता और बढ़ गई है, समझ में नहीं आ रहा कि अब करें भी तो क्या करें। अब तो सिर्फ बालवीर से ही आशा है, शायद उसको कुछ पता चले गज्जू के बारे में। ठीक कहती हूँ परी। बालवीर, बालवीर, आपको तो गज्जू के बारे में जरूर कुछ पता चल गया होगा। नहीं रानी परी, मैंने भयानक लोग और छल लोग का चप्पा चप्पा छाना है, लेकिन गज्जू मुझे कहीं नहीं मिला। पर ऐसे कैसे हो सकता है रानी परी, किसी ना किसी लोग में तो होना ही चाहिए भयंकर परी को गज्जू के साथ। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? भयंकर परी अचानक कहाँ गायब हो गई? हाँ रानी परी, क्योंकि हमने अदृश्य दिखाऊ यंत्र से भी हर जगह खोजा। अगर वो अदृश्य भी होती तो हमसे छुप नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो हमें कहीं दिखाई नहीं दी। अब हम क्या करेंगे रानी परी? हमें गज्जू को तो ढूंढना पड़ेगा। हाँ रानी परी, ऐसी कौन सी जगह है जो हमारी नजरों से बच गई? बड़ी आश्चर्य की बात है परियों, अगर हर लोक की हर सीमा में हमने देख लिया है तो आखिर उस भयंकर परी ने गज्जू को कहाँ छुपाया, जहाँ हम उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे। है लगता मुझे हो गया है आपका दिमाग खराब। जानबूझकर कूद रही है आप खाई में। अरे अगर रहना ही था आपको परिलोक में गज्जू के साथ तो चुराया ही क्यों उसको? मैंने गज्जू को चुराया है ताकि महागजनी परिलोक और रानी परी को समाप्त कर दे। अरे तो चलिए है छुपते कहीं हो, क्योंकि चल गया पता महागजनी को कि है उसका पुत्र यहाँ, तो रानी परी से पहले कर देगी वो आपका अंत। हंस रही हो आप? इसीलिए तो मैं तुम्हें बेवकूफ बुलाती हूँ, तौबा तौबा, क्योंकि हर बार तुम ये भूल जाते हो कि जहाँ इन सच्ची परियों की सच्चाई की सोच खत्म होती है वहीं भयंकर परी की बुराई की सोच शुरू होती है। महागजनी कभी मुझ तक यहाँ नहीं पहुँच पाएगी। और ऐसा होगा क्यों नहीं? डाले इस पे भी आप जरा अपनी ज्ञान की रोशनी। ऐसा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि परिया और बालवीर मुझे हर जगह हर लोक में ढूंढेंगे सिवाय परिलोक में। वो ये सोच भी नहीं पाएंगे कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं उनके इतने करीब उन्हीं के परिलोक में छुपा बैठा है। माँ चिल्लाओ जितना माँ माँ चिल्लाना है चिल्लाओ, लेकिन मेरे प्यारे हथियार गज्जू तुम्हारी आवाज यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। और तुम भी यहाँ से बाहर तभी जा पाओगे जब तुम्हारी माँ महागजनी परिलोक और रानी परी का विनाश करेगी। ऐसा क्यों लगा जैसे मेरा गज्जू मुझे पुकार रहा है? उसे मेरी जरूरत है, मुझे वापस जाना चाहिए। बेचारा मानव अकेला बैठा है। अरे केवल ये मोंटेबास थोड़ी ना कि अकेला बैठेगा तो भी ऐसा लगेगा कि चार जन बैठे हैं। तो अकेला ही बैठेगा ना केवल। वैसे भी इसके सारे दोस्तों सचिन और सलोनी को अपना दोस्त बनाने चले गए हैं। नहीं, मेरे दोस्त सिर्फ मेरे ही दोस्त हैं। थे मानव, लेकिन अब वो सब सचिन के दोस्त बनेंगे। कोई भी सचिन का दोस्त नहीं बनेगा। बहुत भोला है रे तू मानव, बहुत भोला है। अरे भोले मतलब मानव, वो क्या है ना, अब तू अकेला इंटेलिजेंट नहीं है क्लास में। हाँ, अब सचिन और सलोनी भी इंटेलिजेंट किड्स है। ऐसा यश भी कह रहा था। यश? ये यश कौन है? वो सचिन का दोस्त। और सचिन का दोस्त यश ये भी कह रहा था कि सचिन और सलोनी के पापा इस स्कूल के टीचर है, मतलब एक्स्ट्रा हेल्प। ग्रेस मार्क्स भी सचिन सलोनी के हाथ में। मानव, हम दोनों भी यही सोच रहे हैं कि मोंटेबास का साथ छोड़ के हम दोनों भी सचिन और सलोनी का साथ दे दे। हाँ, क्योंकि समझदारी तो उसी में है। चल रोहित। हाँ चल, बाय मानव। बाय बाय। चाहे कुछ भी हो जाए, महागजनी के यहाँ पहुँचने से पहले हमें गज्जू की तलाश करनी ही होगी। हाँ रानी परी, हमें गज्जू को जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा। हर एक बीते पल के साथ साथ गज्जू पर खतरा बढ़ते जा रहा है। पता नहीं गज्जू का अपहरण करके ये भयंकर परी कौन सा नया खेल खेल रही है। भयंकर परी का खेल चाहे जो भी, लेकिन हम उसकी चाल में आ ही गए। इसलिए वो जो भी खेल खेलना चाहती उसमें वो कामयाब हो रही। नहीं बालवीर, इस समय भयंकर परी के बारे में मत सोचो, बल्कि सोचने वाली बात तो ये है कि तब क्या होगा जब महागजनी सुबह यहाँ आएंगी और हमसे गज्जू के बारे में पूछेंगी। तब हम उन्हें क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे उन्हें, कैसे समझाएंगे हम ये महागजनी को कि हम सारी परियां मिलकर भी उनके पुत्र गज्जू की सुरक्षा नहीं कर पाए। हाँ, कैसे उन्हें बताएंगे कि हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए। महागजनी गज्जू से बहुत प्यार करती है और हमें डर है कि ये खबर सुनकर ना जाने वो क्या कर बैठेंगे और हम उनसे ये सब छुपा भी तो नहीं सकते। हमें उन्हें ये सब सच बताना ही पड़ेगा। रानी परी, हमें पूरा विश्वास है कि महागजनी इस बात को जरूर समझेंगी कि भयंकर परी ने ये सब अपनी हार का बदला लेने के लिए किया है। काश ऐसा ही जैसा आप कह रही है भटकाती परी। काश महागजनी भयंकर परी की चाल को समझ पाए और हमें गलत ना समझे, वरना पूरे परिलोक में कहर आ जाएगा। महागजनी इतनी जल्दी कैसे आ गई? गज्जू कहाँ है? मेरा पुत्र गज्जू कहाँ है रानी परी? आप सबको ऐसे चुप देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पुत्र गज्जू ठीक नहीं है? महागजनी, महागजनी, आपका पुत्र गज्जू आप कहीं खो गया है। पुत्र गज्जू नहीं मिल रहा है। मैं उसे आपके पास छोड़कर गई थी और आप सब कह रहे हैं कि वो खो गया है। महागजनी, महागजनी, हमें लगता है कि गज्जू कहाँ पर है? इधर जा रहे हो? बैठो बैठो। मैं तो माफी मांगने आया था, सॉरी कहने आया था। बैठो बैठो बैठो। सॉरी? हाँ, वो क्या ना, मैंने जो किया ना वो एक्चुअली मेरा गुस्सा था वो मानव पे, बट वो गलती से तुम्हारे ऊपर निकल गया, उसके लिए आई एम सॉरी। बट हाँ, तुमने आज जो क्लास में किया ना उसके बाद मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ पता है, बट ये दिल है के मानता नहीं। वो सब छोड़ो, तुम्हें यश ने कुछ बताया? यश कौन? मानव का दोस्त। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। क्यों, वो ऐसा क्या कहने वाला था? वैसे वो कुछ खास बताने नहीं वाला था, बस इतना ही कि सचिन ने एक सवाल का जवाब क्या दे दिया, सब उसके फैन बन गए, सब उसे इंटेलिजेंट समझने लगे। सचिन इंटेलिजेंट ही है। हाँ, यश ने भी यही कहा। ये यश कौन है? मानव का दोस्त। मानव कह रहा था कि उसे पता है सचिन एक नंबर का डफर है, उल्लू है, गधा है, कमबख्त है। ऐसे मैं नहीं, मानव कह रहा था। हाँ, मानव ने ये भी कहा कि सचिन का कुछ नहीं हो सकता। मानव ने ऐसा क्यों कहा? वो तो जानता है ना कि सचिन बहुत होशियार है। हाँ, यश ने भी ऐसा ही कहा। अरे ये यश कौन है? मानव का दोस्त। बट मानव कहने लगा कि वो दिखाएगा और सब लोग देख लेंगे। और उसने ये भी कहा कि अपने पापा की मदद से तो कोई भी हीरो बन सकता है। आखिर तुम्हारे पापा टीचर जो है। नहीं, हमारे पापा एग्जाम्स में हमारी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हाँ, यश ने भी यही कहा। ये यश कौन है? मानव का दोस्त। बट मानव को गुस्सा आ गया, वो चिढ़ गया, वो चिल्लाने लगा। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है यार। चिढ़ने दो उस चीलू को। अरे वो क्या दिखाएगा मुझे? मैं उसे दिखाऊंगा कि इंटेलिजेंट बच्चे क्या होते हैं। और उस यश को भी कह देना। यश कौन? मानव का दोस्त। हाँ हाँ, बोल दूंगा। शाबाश, लग रही है आग, लग रही है। समझाइए महागजनी को। रुक जाइए महागजनी, शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो जाऊं? मेरे पुत्र का अपहरण हुआ है और आप चाहते हैं मैं कुछ ना कहूं? महागजनी, आप हमारी बात को समझने की कोशिश तो कीजिए। अब मैं आप सबकी कोई बात नहीं सुनूंगी। महागजनी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। महागजनी, हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने गुस्से को शांत कीजिए। आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है और आप चाहते हैं कि मैं भी कुछ ना करूं, शांत बैठ जाऊं। हम जानते हैं महागजनी, अपनी जिम्मेदारी निभाने में हमसे चूक हो गई, लेकिन गज्जू का अपहरण करने वाली भयंकर परी है। ये मैं नहीं जानती। गज्जू की सुरक्षा का ख्याल आपको रखना चाहिए था। क्यों अकेला छोड़ा आपने मेरे पुत्र को? आप हमारा विश्वास कीजिए, हम भयंकर परी को गज्जू से छुड़ाएंगे भी और उसे इसकी कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बालवीर, भयंकर परी मेरे सामने आई तो मैं उसके प्राण ले लूंगी, लेकिन मैं माफ परियों को भी नहीं करूंगी। अगर मेरे पुत्र गज्जू को खरोच भी आई तो। महागजनी, ये वादा है हमारा आपसे महागजनी कि हम गज्जू को जरूर वापस लाएंगे। हाँ महागजनी, लेकिन तब तक आप अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि हो सकता है ये भयंकर परी की चाल हो हम सब परियों को आपस में लड़वाने की। ठीक है, अभी तो मैं आपकी बातों पे विश्वास कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि ये गलती भयंकर परी की नहीं आप सबकी है तो मैं आप सबका और परीलोक का विनाश कर दूंगी। हाँ महागजनी, हम आपसे वादा करते हैं कि अगर गलती हमसे हुई है तो हम खुद आपसे अपने लिए सजा की मांग करेंगे। अभी तो जैसे तैसे हमने मना लिया महागजनी को, पर हम गज्जू को वापस लाएंगे कैसे भयंकर परी से? हाँ, क्योंकि हमें तो सचमुच नहीं पता कि आखिर भयंकर परी ने गज्जू को कहाँ छुपाया है। आप सही कह रही हैं आर पार परी, लेकिन पता तो लगाना होगा और वो भी जल्द से जल्द। हाँ, वरना महागजनी कुछ भी कर सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बालवीर, हमें किसी भी तरह गज्जू तक पहुँचना ही होगा।